क्या कहते हैं, उनसे बात भी कराते हैं कि वो फिल्म के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अरे आप जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी सीन चार बार 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 ही गल होनी अंदर कोई गल नहीं। शेख साहब क्यों हो ना लो ना लो शेख साहब डर गए ने जी इस मौका पर। हाँ जी हाँ जी बड़ा आके गल करा मेरा तो सिंपल है जी जी। अफान भाई सामने अफान रही इलियास सईद अदानी निज़ामी एंड द डायरेक्टर उस्मान रिज़वी। मस्तानी मूवी के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि फैमिली मूवी है, फुल एंटरटेनमेंट है, फुल पैकेज है, इसमें कॉमेडी है, रोमांस है, थ्रिलर है, इसमें सस्पेंस है जो एंड में रिवील होगा ऑब्वियसली। और इसमें ऐसा नहीं है कि शुरू में कॉमेडी है फिर एंड में सैड और ऐसा कुछ नहीं है। सैड पार्ट शुरू में भी है, कॉमेडी पार्ट एंड में भी है और इट्स अ मिक्सचर ऑफ फोर डिफरेंट स्टोरीज एट द एंड कंबाइन होते हैं सारे और डिफरेंट टाइम लाइन पर मूवी चल रही है। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है लेकिन ऐसे पिक्चराइज किया है कि बहुत ईजी वे में ऑडियंस को समझ आएगी। और आप या और जो भी आपके सवाल है ऑब्वियसली आप पूछे एंड आमला एंड अफान विल आंसर देम। आपने एक पहले सीन में एक ट्रेलर में दिखाया कि ये तुम कैसे मर दो ऐसा कहा, उसके बाद आगे आप एतराज़ कर रही हैं कि मैं तो ऐसे मर्द से शादी नहीं करूंगी जो मुझे हेड टू टो देखे। तो मतलब आप अगर मर्द को पूरी तरह देखती हैं तो उसका भी तो हक है कि देखें। बड़ा डीप सवाल है ये तो राइटिंग के ऊपर क्वेश्चन होगी। अच्छा जी तो देखिए दिस मूवी इज़ अ वेरी लाइट हार्टेड मूवी एंड जो आलिया और शकील का रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि आलिया शकील को हर बात में इंटिमिडेट करती है, हर बात में उसका नीचा दिखाती है, एट द सेम टाइम उससे सारे फेवर्स निकलवाती है जो सारी लड़कियां करती हैं पूरी दुनिया की। तो ये तो हमारी सेकेंड नेचर है और बिल्कुल ये बात सच है, हम नहीं चाहते कि कोई हमें आपने बल्कि उस जुमले का मतलब जरा गलत ले लिया। उसमें जब आलिया कहती है कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मुझसे चाहे शादी करना कि मतलब मेरी सीरत देख के मुझसे प्यार करके ना कि मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे कि मैं कैसी दिखती हूँ कैसी चलती हूँ कैसी बैठती हूँ। सो जो उस जुमले का मतलब है वो ये है। लेकिन बात जो इनको मैंने कहा है कि मर्द तो देखो दैट अकॉर्डिंग टू द सीन ही वाज शोइंग हिज मर्दानगी जिसपे मैंने उसे कहा था कि ऐसा होता है मर्द। So that's that. It's all in fun and games. It's nothing to be जो आपको एतराज़ हुआ इसमें एतराज़ की कोई बात नहीं। It was a little joke and when you see the film you'll understand where the joke is going. अच्छा जी मैं बात पहले तो सबसे आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ट्रेलर वाकई अच्छा है। जी थैंक यू। देखा और मज़ा आया। अच्छा आपको याद होगा सबको हमें भी याद है कि एक वक्त था जब कोई ड्रामा आर्टिस्ट जब फिल्म में जाता था ना तो वो समझता था मेरी तरक्की हो गई है, बड़ा खुश होता था। और अब एक ऐसा वक्त आ गया कि अब जो फिल्म वाले हैं वो ड्रामों में जा रहे हैं। अब मैं जरा अफान साहब से ये पूछूंगा कि आपकी तरक्की हुई है या तनजली हो गई है? देखिए 2020 में जब ये फिल्म हमने शूट करना शुरू की तब तो मुझे ये लगा था तरक्की हुई है, अब का तो ऑडियंस और अल्लाह डिसाइड करेगा कि डिमोशन है या प्रमोशन। अच्छा ये अब आप समझती हैं आमना के ये जो आपकी मूवी है क्योंकि एक आपको पता है हमने पीछे ये बहुत हम सुनते आए थे कि जो ड्रामे वाले जो फिल्म बना रहे हैं ना उनमें ड्रामा ही होता है, उनका पिक्चराइजेशन ऐसी नहीं है जो फिल्म लगे। एक बड़ी स्क्रीन का अपना एक कैनवस होता है, अपना एक स्टाइल होता है। तो आप ज़रा सभी डायरेक्टर साहब भी जाहिर है इस पर बोलेंगे, आमना आप भी बताइएगा, इरफान आप भी और आप भी के क्या आपको लगे कि ये वाकई एक फिल्म है या आप वही जो ड्रामा स्टाइल है उसी को लेके आए हैं? सबसे पहले तो मैं जैसे कि आपने कहा कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। आई थिंक ये
पॉइंट्स हैं कि ये ड्रामा नहीं लग रहा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं उस्मान रिज़वी, जिन्होंने ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने पहले ड्रामा नहीं बनाया, तो इनका एस्थेटिक ड्रामे वाला नहीं है। ये रहते भी पाकिस्तान में नहीं है, ड्रामे देखते हैं, इन्होंने ड्रामे भी बहुत कम देखे हुए हैं। तो इनके जो हम जब बहुत एक चीज़ देखते हैं और बहुत एक चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा एस्थेटिक वैसा ही हो जाता है। सो दैट्स ट्रू, आप फिर अपनी अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है चीज़ें। तो उस्मान की अच्छी बात यह है कि ना इन्होंने ड्रामा देखा है, ना इन्होंने ड्रामा बनाया, इन्होंने फिल्में। सो होपफुली जब आप लोग फिल्म देखेंगे, और मुझे भी शूटिंग के दौरान और इवन ट्रेलर देख के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है फिल्म शूट किए हुए और उसके बाद भी मैंने काफ़ी काम किया है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं खुद भी भूल गई थी कि बहुत सारे मोमेंट्स थे इस फिल्म में जो मैं भूल गई। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं अपने वो मियाँ मिठू शायद हो रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं आई टीवी ड्रामे की फील। सो होपफुली आई थिंक ऑडियंस को भी ऐसा ही लगेगा जब वो फिल्म देखेंगे। जब मुझे स्क्रिप्ट इन्होंने भेजा तो आई टुक माय स्वीट टाइम, तो इन्होंने दोबारा कॉल की कि आप एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़े। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट इट वाज ऑनेस्टली अनपुटडाउनेबल, और मैं आई होप आई एम नॉट पासिंग अ ग्रैंड स्टेटमेंट, आई जेन्युइनली मीन इट कि वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था और मैंने एक ही गो में पढ़ लिया। अब देखिए स्क्रिप्ट तक जहाँ तक बात थी वो तो बहुत अमेजिंग लगा मुझे, बाकी उसमें फिल्म भी था सब कुछ था। अब बनी कैसी है आई कैन नॉट से टू मच अबाउट दैट, क्योंकि डबिंग में तो आप बिट्स एंड पीसेस में सिर्फ अपना काम ही देखते हैं। अब वो पूरी कंपाइल कैसी हुई है और स्क्रीन पर कैसी लगेगी आई हैव नो क्लू अबाउट दैट, बट स्क्रिप्ट इसका वाकई फिल्म वाला स्क्रिप्ट मैं बताता हूँ कैसे बनी, बहुत जबरदस्त। अच्छा उस्मान, बात यह है कि पाकिस्तान की बहुत फिल्में ऐसी आ रही हैं जो ऑडियंस को एंगेज कर पाती हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है जो ऑडियंस को अपनी तरफ एंगेज कर पाए? मुझे मैंने जो पाकिस्तानी मूवीज रिसेंटली देखी है उसमें यही लैक था कि ऑडियंस को एंगेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उनके लिए, कि वो ऑडियंस को खींच के सिनेमा लगाना। उसके बाद जो रिव्यूज मूवीज के आ रहे थे वो पॉजिटिव इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे कि लगातार रेवेन्यू आता रहे। तो मैं ऑडियंस से इंकरेज करूंगा कि वो आए देखें और रिव्यूज डाले ऑनलाइन, एंड आई एम 100% श्योर कि पॉजिटिव रिव्यूज आएंगे और लोग देखते आएंगे। तो वो कहते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, लोग जाके बातें करेंगे, दिस इज वन ऑफ दोज मूवीज, सो इंशाल्लाह लोग आगे देखेंगे, उनको पसंद आएंगे और लोगों को भी कहेंगे वो आगे देखें। आमना से क्वेश्चन है कि महवी शहजाद और नदीम बेग साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में ही, और उन्होंने कहा कि ईद के त्यौहार के अलावा हम फिल्म नहीं लगा सकते क्योंकि नुकसान का सौदा है, ये घाटे का सौदा है, तो बड़े त्यौहार पे इसलिए लगाते हैं कि पैसे पूरे हो जाएं फिल्म साज के। तो आप जो है वो रूटीन से हटके 14 अगस्त जैसा बड़ा त्यौहार भी गुजर चुका है, तो अब आप फिल्म लगा रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं मस्तानी से? एक तो पहली बात है कि फिल्म मैं नहीं लगा रही लग रही है आपकी फिल्म इसमें ये जो डिसीजन है ये डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर्स का है। देखिए फिल्में तो मुझे लगता है कि इतनी बननी चाहिए कि सारा साल लगे, हर महीने एक पाकिस्तानी फिल्म लगनी चाहिए, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में फिल्म बड़े से बड़ा एक्टर भी हमारे द टॉप स्टार्स ऑल्सो दे डिपेंड ऑन ईद, दे ऑल्सो थिंक दैट देयर स्टार पावर इज़ नॉट इनफ कि अगर वो ऑफ टाइम पे फिल्म लगाएंगे तो लोग उनकी फिल्म देखने आएंगे सिनेमा। सो आई थिंक दैट दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू टेक एन इनिशिएटिव के उन्होंने एक बिल्कुल ऑफ टाइम पे फिल्म लगा रहे हैं, एंड they're very confident. So मैं बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, पर आई थिंक कि फिल्में तो सारा वक्त ही लगनी चाहिए, और अल्लाह करे ये फिल्म चले तो जो बाकी फिल्म मेकर्स हैं जिनको बेचारों को बड़ी फिल्मों की वजह से ईद पे जगह ही नहीं मिलती, स्क्रीन्स ही नहीं मिलती, सो यू नो देर इज़ अ बिग इसके पीछे आप लोगों को पता नहीं है लेकिन शायद, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है कि यू नो किसकी फिल्म को सबसे ज़्यादा शोज मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि ऑफ टाइम पे लगाने से एक तो दूसरे प्रोड्यूसर्स को बहुत हिम्मत मिलेगी कि वो अपनी फिल्में भी साल भर लगा सकें, सिर्फ ईद का इंतज़ार ना करें। सो बस मेरा जवाब यहाँ पे मैं मुख्तसर करूँगी कि इनकी हिम्मत है और प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड कि लोग आएँ ये फिल्म देखने ताकि फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि मौला जट जो है रिलीज़ हुई थी इसकी स्क्रिप्ट अच्छी थी ऑब्वियसली और उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे, और वो ईद और किसी बड़े जमात पे नहीं रिलीज़ की थी उन्होंने,
तो वो भी पॉजिटिव बॉक्स ऑफिस आया था उसका। तो खाली ईद पे ये होता है कि सारे अगर ईद पे 5 मूवीज रिलीज करेंगे तो सिनेमा स्क्रीन इतनी कम है तो किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। तो और आप कह रहे 14 अगस्त वगैरह, 14 अगस्त पे क्यों नहीं रिलीज़ किया? उस पर ऑलरेडी बड़ी मूवीज अमेरिका की आ रही थी तो उस पर स्क्रीन शेयरिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दैट वाज द रीज़न। अच्छा ये मेरा ख्याल है इन्होंने रिपोर्टर का कैरेक्टर किया है, ये जो बैठी हैं डालने जी प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर साहब प्यारी इतनी है ना कि आपको लग रहा है ये भी एक्ट्रेस है। आपने देखें कैसे उन्हें आपने बिल्कुल शो ही नहीं करवाया उन्हें, ये प्रोड्यूसर कमाल है वैसे। बताएं आपको क्या लगा, आप लगता है आपको कि ये फिल्म आपकी जो है वो आपको बैक आएगा? इंशाल्लाह मैंने सारी मूवीज देखती हूँ मैं, हॉलीवुड बॉलीवुड तमिल पाकिस्तानी सारी मूवीज देखी हैं। एंड एज अफान सेड कि स्क्रिप्ट हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग था तो डायरेक्शन की तरफ गए, डायरेक्शन के बाद जब हमने मूवी कंप्लीट देखी है हमें इतनी स्ट्रॉन्ग लगी है तो हम प्रमोशन की तरफ आए, वरना काफ़ी इतनी सिनेमाज में मूवीज पड़ी हुई हैं, हम काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन के पास जब हम लोगों ने एक विजिट किया हमें वहाँ पर पता चला ये 10-10 मूवीज सबकी पड़ी हुई है जो बाहर से आए थे बनाई हैं, नहीं अच्छी बनी नहीं बिक रही वो पड़ी हुई, लेकिन हमारी माशाल्लाह से स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग थी, हमारी डायरेक्शन इतनी अच्छी हुई है, काम इतना अच्छा किया है आमना ने और अफान ने उसमें, एवरी करेक्टर सब ने इतना अच्छा किया, और स्टोरी ऐसी है कि जो करंट सिचुएशन राइट नाउ जो एक चल रही है उसके ऑपोजिट है, जैसे कि जो एक कॉन्ट्रोवर्सियल ड्रामा चल रहा है फर्जा उसके ऑपोजिट है, ये एक फैमिली मूवी है जो आप अपने घर में बच्चे बूढ़े सबके साथ बैठ के देख सकते हैं, और इसके अंदर जो सोशल इश्यूज चार उठाए गए हैं वो आप रिलेट करेंगे, आप अपनी बहन से रिलेट करेंगे, आप अपनी माँ से रिलेट करेंगे, आप अपनी बेटी से रिलेट करेंगे, आपको अपनी सोसाइटी में वो चीज़ें नज़र आएंगी और आपको लगेगा कि आपने कोई फाइनली कोई चीज़ देखी है। इसमें कोई आर्टिफिशियल मैं कहूँगी बनावटी कहानियाँ नहीं है कि पहाड़ों पर डांस हो रहा है बर्फ पर कुछ हो रहा है, वो भी अच्छा है मूवी के लिए अच्छा होता है जन मूवीज में होता है, बट दिस इज़ सो मच यू नो फैमिली ओरिएंटेड मूवी के आप लोग रिलेट करेंगे और आपको पसंद आए। एंड ऑल्सो आई थिंक इस फिल्म में एक और जो बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारी फिल्म का जो एस्थेटिक है वो बिल्कुल पाकिस्तानी है, सो आपको कहीं से भी देख के, अक्सर हम पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं और हमें लगता है कि अच्छा जी ये फलानी जगह से चुराया हुआ है और ये ठिकाने सिनेमा से चुराया हुआ है, सो आई थिंक कि जब मैं शूट भी करी थी तो द बेस्ट पार्ट अबाउट मस्तानी है इसके यू विल फील दैट इट इज़ अ पाकिस्तानी फिल्म, ये इसके जो फ्रेम्स हैं जो कल्चर दिखाया है और जो हमारा एक सोसाइटी जो हमारा कल्चर है जिस तरह से यू नो वी कंडक्ट आवरसेल्व्स ऑन अ डेली बेसिस, सो ये फिल्म देख के आपको लगेगा कि ये एक पाकिस्तानी लड़की और ये एक पाकिस्तानी लड़का है और यू नो ये हमारी अपनी कहानी है। जी जी ये पहला स्पेल जो हुआ है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में हुआ है एंड फिर कोविड वजह से स्टॉप करना पड़ा और कोविड के बाद ऑलमोस्ट 15 डेज उसके बाद शूट हुई है। अच्छा ये मुझे लगता है आपने कराची लाहौर इस्लामाबाद शुमाली इलाका के सभी पाकिस्तान में कुछ इसके सीन मुझे नजर आए हैं। ये इस्लामाबाद की लोकेशन थी, रावलपिंडी की लोकेशन थी और कश्मीर की लोकेशन थी, लाहौर की इसमें नहीं थी लेकिन लाहौर टाइप लोकेशन थी लेकिन लाहौर में थी रावलपिंडी में थी। ये लाहौर टाइप जैसे अंदरून लाहौर होता है ना उस टाइप की पिंडी भी हमने लोकेशन ढूंढी तो वहाँ पे किया। जैसे वाला नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक्चुअली हमने जब प्रोजेक्ट लेके आए थे पाकिस्तान हम 2019 में लेके आए थे और उस टाइम अगर आपको याद हो पाकिस्तान की पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री बूम कर रहा था, नई मूवीज आई थी रॉन्ग नंबर 2 और उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था और काफ़ी अच्छा सिनेमा चलना शुरू हुए थे, एक तरह से हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बढ़ी थी, तो हमने कहा हम भी अपना जो एक पैशन लेके बैठे हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स नेटफ्लिक्स फिल्म्स आउटसाइड हम बाहर भी बना सकते थे, लेकिन हमने कहा लेट्स यू नो कम बैक टू आवर कंट्री गिव समथिंग बैक। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जब हम आए थे यहाँ और हमने बनाना शुरू किया और हमने जब यू नो प्रोडक्शन स्टार्ट की इतने लोगों का रोजगार लगा था कि हमें दिल्ली से दिली खुशी हुई थी, स्पेशली एज दे मेंशन हमने की थी इस्लामाबाद और पिंडी वहाँ पे इतना सिनेमास का ट्रेंड नहीं है तो वहाँ पे लेकिन लोग हैं जैसे प्रोडक्शन है
और एक्टर्स हैं वहाँ पे जो मतलब कराची नहीं आ सकते, लाहौर नहीं आ सकते काम वगैरह के लिए, लेकिन उनको जब जॉब्स मिली और उनके वहाँ पे एक यू नो एक होप आई, तो हमें उससे एहसास हुआ कि लाइक यार दिस इज द स्टेप वी टुक वाज रियली गुड फॉर आवर कंट्री. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस, इट्स फॉर द कंट्री एज वेल. और हमारा ऑब्वियसली बीइंग पार्ट, नाउ वी आर पार्ट ऑफ द पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री एंड वी डेफिनेटली वांट टू वर्क मोर इन द इंडस्ट्री एंड वांट टू मेक इट यू नो मोर फैमिली ओरिएंटेड के लोग आए इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दोज कल्चर्स के जहाँ आपको आपका कल्चर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके लोग ही उस स्टोरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस यू नो ट्रेंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो इंस्टेड ऑफ मूविंग इन दैट डायरेक्शन, आप अपने सिनेमाज में बड़ी स्क्रीन में ऐसी स्टोरी लेके आए कि लोग अपने फैमिलीज को लेके आए और इंजॉय करें और आपकी बैठे और देखें. सर ये अभी आपने मैडम ने बताया कि 2019 में आपने मुकम्मल कर लिया था, 2020 में रिलीज करने का भी इम्कान था, ये तो कोरोना आ गया बीच में. अभी आपने मार्केट को स्टडी किया होगा, जो ईद पे फिल्में लगी हैं पाकिस्तान की वो उस वक्त तक तो चलती नहीं है जब बाहर की फिल्में आई हैं, और फिर हमारी फिल्मों को मजबूरन उतारना पड़ा, जाहिर है कि ऑडियंस देखने नहीं आती. तो आपने क्या प्लान करके ये इवेंट चूज़ किया है, ये दिन चूज़ किया है कि इस दिन में हम रिलीज करते हैं तो हमारा बिजनेस हर्ट नहीं होगा, दीगर फिल्में भी बिजनेस करती रहेंगी? जी जी, हमने इस बाकी सारे रिलीज डेट्स को देख के ही ये पिक किया है कि कोई जैसे अमेरिकन की एवेंजर्स ऑब्वियसली उस टाइप का प्रोजेक्ट हमारा है नहीं, तो जो पुल एवेंजर्स की है जैसे वॉल्वरिन की उस टाइप के वो आती 14 अगस्त के आसपास रिलीज हुई थी, तो उससे वो तो सारी स्क्रीन ले जाएंगे पाकिस्तान की, तो उससे हट कर 23 अगस्त वॉज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर दैट. फिल्म के म्यूजिक के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें कि माजी में बहुत सी ऐसी फिल्में कामयाब हुई हैं जिनका म्यूजिक बहुत अच्छा था और उन्होंने रिकॉर्ड बिजनेस किया, तो मस्तानी के म्यूजिक के हवाले से भी थोड़ा सा. जी, मस्तानी के म्यूजिक इंशाल्लाह कल तक रिलीज होगा, और उसके अंदर थी ट्रेलर में आप सबने देखा ही होगा, उसके अंदर गाने वगैरह नवीन नशाद जो बहुत पाकिस्तान के माने हुए म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने दिया है, और राहत फतेह अली का इसमें एक गाना है, और म्यूजिक हमारा बहुत टॉप क्लास का है. बस यही हुआ, थोड़ा सा डिले हो गया रिलीज में, लेकिन बहुत अच्छा गाना है, सारे गाने ही अच्छे हैं इसके अंदर. एक राहत का गाना है, एक डांस सॉन्ग है जो आपने ट्रेलर में देखा है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, और एक सैड सॉन्ग है, लेकिन उसके बारे में कुछ रिवील नहीं कर सकते, तो बीच में एक सरप्राइज है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त गाने. अच्छा जी, उस्मान साहब ये बताइए कि जो पड़ोसी ममालिक के जो प्रोड्यूसर हैं जब वो फिल्म कोई अनाउंस करते हैं तो वो एक साल बाद की डेट बता देते हैं कि हमारी फलां डेट को फिल्म रिलीज होगी. अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि आप लोग अचानक ही देखते हैं कि यार वो डेट खाली आ गई है, जैसे वो शादी हाल वाले करते हैं ना कि कोई किसी की शादी करनी है, वलीमा कर रहे हैं तो डेट खाली है तो आप बुक कर लें, तो आपने बिल्कुल सेम उसी अंदाज़ में अपनी फिल्म को मतलब स्क्रीन्स ढूंढनी पड़ी है पाकिस्तान प्रोड्यूसर्स को, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स को, कि पाकिस्तानी मूवीज जो रिसेंटली आई है उनके ऑब्वियसली रिव्यूज़ अच्छे नहीं आए, तो पाकिस्तान का ऑडियंस का जो भरोसा होता है ना पाकिस्तानी मूवी पे वो उठा हुआ है, तो इस वजह से वो डेट पिक करनी पड़ती है जिसपे स्क्रीन्स पाकिस्तानी मूवीज को मिल पाए, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट दैट्स द वे वी हैव टू गो. और हमें चाहे हमें बहुत पहले हमें है कि रिलीज़ करने चाहिए, और अभी आजकल में गानों को हम लोग काफ़ी बूस्ट देना चाह रहे हैं, सो उसकी उसको रिलीज़ करने के लिए जो है ना वो लग रही है एफर्ट लग रही है कि ताकि अच्छे से रिलीज़ हुई, क्योंकि गाने आजकल में इंशाल्लाह आ जाएंगे आजकल में इंशाल्लाह. मैडम ये भी बताइएगा कि फिल्म सिर्फ पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है या वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं रिलीज़? अभी सिर्फ पाकिस्तान में, एज वर्ल्ड वाइड का ये है कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप OTT है इंटरनेशनल होने के लिए. पाकिस्तान में कितनी स्क्रीनों पर आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं? आपको यकीन है कि आपको शोज मिल जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं आपके, बैठाना चाला चाला सब स्क्रीनें मिलेंगी,
IMGCA डिस्ट्रीब्यूशन क्लब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी उन्होंने भी मूवी देखी है, उनको अच्छी लगी तो उन्होंने इसी वजह से उठाई है और उन्होंने यही कहा है कि सारी स्क्रीन का उसे मिलेगी। जब मैंने भी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया में अगर आप देखें काफ़ी जगह तो चेंज हो रहा है कि फीमेल नैरेटिव या यू नो स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म्स कम ही बनती हैं और अगर एक एक्टर को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले फीमेल एक्टर को तो वो आई थिंक कोई भी अपने हाथ से नहीं जाने देगा। बट दैट वॉज नॉट जस्ट द रीज़न ये भी था कि कहानी मज़ेदार थी, कैरेक्टर चुलबुला था, यू नो थोड़ा मेरे ही टाइप का था, मुखे थपड़े लौंडों को छेड़ना, यू नो सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट आई सेड यस टू इट एंड उस्मान वाज वेरी जेनरस विद द पेचेक ऑफ कोर्स सो दैट टू सो इट वाज ओवरऑल दैट्स व्हाई मुझे दिल क्या करने के लिए। अच्छा आप ये मुझे बताएं कि आपने दो बोल में एक तो टीवी का रोमांस है, ये फिल्म का रोमांस आपको कैसा लगा और इसमें आपने कितना एंजॉय किया? देखें फिल्म मुझे मिली ही दो बोल की वजह से तो वो तो एक स्टोरी ऑल टुगेदर। बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी आई वाज अ लिटिल डॉन्टेड जब मुझे फिल्म ऑफर हुई क्योंकि बड़ी स्क्रीन का मुझे पता नहीं था एक्सपीरियंस क्या होता है, बिकॉज यही होता है कि आप अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं एंड मोमेंट कैन रिलेट टू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो इट वाज गुड। इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा उस तरह का रोमांस नहीं है क्योंकि और भी बहुत कुछ आपको दो घंटे में दिखाना है, ड्रामे में तो ये होता है 26, 30, 40 एपिसोड्स होती हैं तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है। इसमें रोमांस भी है, हार्ट ब्रेक भी है, सस्पेंस भी है, ट्रेजेडी भी है और सैटायर भी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लग भी जाती है फिर तुसी उठे पहुंच गए क्रिटिकल क्रेजी क्रिटिकल नहीं बात तो कर टेक्निकल सवाल है लेकिन जो मिडिल क्लास है उससे फिल्म बहुत दूर हो गई है। अभी भी जो सबसे कम टिकट की रेट है वो 1500 रुपये। तो इस तरह पंजाब हुकूमत ने अब आवाम को बिजली में रिलीफ किया है, क्या सिनेमा वालों से आप कोई अपील करेंगे, कोई डिमांड करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ कि थोड़ा सा कोई ऐसे पैकेजेस दें ताकि स्टूडेंट पैकेजेस हों तो मिडिल क्लास के लिए पैकेजेस तक एक आम बंदा भी फिल्म यहाँ पे आके इस तरह के। वेरी गुड, बिल्कुल। मुझे तो मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन बने पाकिस्तान में और आई थिंक मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि प्लीज़ सिनेमा की टिकट सस्ती कर दें, सस्ती करेंगे तो ज़्यादा लोग देखने आएंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है और नहीं रिक्वेस्ट तो कर सकती है ना रिक्वेस्ट करती गवर्नमेंट देखे ना ये आपके साथ बैठे हैं इनका तो बिजनेस है ना कुछ रिलीफ देना चाहिए सिनेमा ओनर्स को एज वेल इन टर्म्स ऑफ जो उनका टर्नओवर है या जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो अगर टैक्स है जो सिनेमा ओनर्स को है अगर वो कम हो जाएगा सो इवेंचुअली दे विल बी एबल टू यू नो लेसन द प्राइसेस ऑफ द टिकट सो इट विल हेल्प इवेंचुअली इट्स अ सर्कल सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू कम इन मुझे लगता है। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब मान लेंगे एक दफा उनका नाम लेके कह दें तो प्राइम मिनिस्टर साहब मान लेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब जी मान जाए स्पीक करते सबके लिए। हां चले तो प्लीज। हां अच्छा दानिया से सवाल है कि आपकी ये पहली फिल्म है एज ए प्रोडक्शन प्रोड्यूसर और आइंदा फ्यूचर में खुद भी फिर आने का मूड है ये डायरेक्टर बैठे इन्होंने कास्ट नहीं किया पर्ची बहुत ज्यादा आई थी लेकिन मैंने पर्ची ली नहीं मैंने कहा था रिपोर्टर का रोल। ये ट्रेंड ही चल गया कि मेल अगर डायरेक्टर हो तो उसने अपनी फीमेल को एज ए प्रोड्यूसर रखा होता है। सिनेमा बहुत धूम पे था, फिर कोविड के बाद चीज़ें वैसे ही थोड़ी स्लो हो गई थी हर लिहाज से। ड्रामा एक वाहिद चीज़ है अलहमदिल्ला जो अफेक्ट नहीं हुई हमारी कंट्री में,
मैंने रिक्वेस्ट की थी प्लीज अफान पहली मूवी मेरी होने होगी उसके बाद मूवी दूसरी साइड करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत आला जी, बहुत आला।